वल्लभ गिरिवर धारे जय राधा मा गोपी जाना वल्लभ गिरिवर जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरावन चारे यमुना यमुना तीरावन चारे जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरावन चारे यमुना यमुना तीरावन चारे यमुना जय राधा माधव कुंज विहार गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी
ज्ञानवल्लभ भगिनी करधारिणी जय राधा यशोदानन्दन ब्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन यशोदानन्दन ब्रज जन रञ्जन यशोदा यमुना तीरवन तारे यमुना तीर यमुना तीरवन तारे यमुना जय राध माधव रविहार ज्ञानवल्लभ भगिनी करधारिणी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय वल्लभे जय सुभद्रा जय वल्लभे जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे हरिबोल 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद 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 जय 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 गुरुदेव गुरुदेव जय
चरणार वल्ली सुदर सुदर्शन की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। जय नव विष्णु पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अवय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इसकन फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय नव विष्णु पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोविंद राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रज भूमि शिवृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी श्रीक्षेत्र धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रमानंद ऑल ग्लोरी टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरी श्री गुरु एंड गौरांग ऑल ग्लोरी श्री श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग का बहुत सौभाग्य है हमारे साथ आज है इस होलीनेस अक्षय महाराज में एक्चुअली विशेष से हैं अराउंड 90s में इस कान के कनेक्शन में आए। उस टाइम में महाराज कॉलेज में पढ़ रहे थे और गौर गोविंद स्वामी महाराज से मुलाकात हुआ और उसके बाद फिर उनसे दीक्षा ली। तो दीक्षा लेने के बाद महाराज बहुत टाइम वृंदावन धाम में मतलब उधर ही उनका साथ आ रहा। तो अभी महाराज इस कान में एक सन्यासी हैं और अभी EDC के गुरु भी हैं। तो हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है आज महाराज का एसोसिएशन हम ले रहे हैं, तो इसलिए हम आभार प्रकट करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा। क्या प्रोग्राम कुछ भागवतम और भगवद गीता क्या कुछ कैसे शुरू करते ओम अज्ञानम तिमिरम धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीतम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोहिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयहम ददाति स्वपदांतिकम। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलम श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत थोड़ा टाइट कर लीजिए। अच्छा ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत तरफ से आप लोग मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। यद्यपि प्रभु जी बोले मैं ही यहीं का हूँ, ओडिशा का इसी भुवनेश्वर का हूँ। इसी आसपास में हमारे बहुत सारे रिलेटिव भी हैं, लेकिन शायद कोई मालूम नहीं मुझे कौन है कैसा है। अभी कोई कनेक्शन मेरा नहीं है, कोई भी होगा आप लोग भी कोई होगा वही मुझे भी कुछ मालूम नहीं है। क्योंकि मैं 30-30 साल हो गया छोड़ दिया। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बड़े होकर के शादी होकर भी चले गए, बाल बच्चे हो गए, तो इसीलिए लेकिन आइए छोड़ो, ये तो संसार है। संसार ये सम्यक सार इति
संसार, इस संसार में कुछ सार वस्तु है उसको समझना चाहिए, है ना। संसार में सार क्या है, आप लोग सब लोग यू आर ऑल एजुकेटेड है ना, सब पढ़े लिखे हैं, भौतिक विद्या में पारंगत हैं और हम लोग कुछ भी भौतिक विद्या में पारंगत होते तो हमको कितनी पारिश्रमिक मिलता है, पैसा मिलता है, फैसिलिटी मिलता है ना। लेकिन जो विद्या को समझने में, जो तत्व को समझना चाहिए, मरने से पहले भगवान को जानना चाहिए। अगर मरने से पहले हम भगवान को नहीं जान पाए तो ये बहुत बड़ा दुख का बात होगा, बहुत बड़ा अफसोस का बात होना चाहिए, बहुत बड़ा लस, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम भगवान को जान सकते हैं। पशु तो समझ जाते हैं लेकिन मनुष्य अब समझ नहीं पाते। और ये हमारे सनातन कल्चर हैं, जो उड़ीसा का जो इतनी गौरवशाली संस्कृति है, इसमें कितनी आज तो केवल नियम मात्र रह गया, लक्ष्य भूल गए हम लोग। हम लोग केवल नियम मात्र करते हैं लेकिन नियम के पीछे कारण है, हम लक्ष्य को भूल गए हम तो। लेकिन धीरे धीरे नियम भी भूल जाएंगे। आज कौन घर में जाने से पहले पांव हाथ पांव धो के घर में जाता है। मेरे को याद है हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा पानी का कुंड रहता था, हमारा माँ देखता था। पहले टीचिंग देते हैं ना, शिक्षा देते हैं, पहले स्कूल से आएंगे तो पहले वहाँ से हाथ पांव धो करके इवन एंट्री करना है घर नहीं, वो क्यों घर चतरा रहता है, भीतर एक रहता है कोटियड रहता है ना, एक चरित्रा घर रहता है, दो दरवाजा रहता है, उसे भीतर एंट्री करना से पहले बाहर में आपको हाथ पांव धो करके भीतर जाना पड़ता है। आज कितने लोग हैं, कुत्ता का टट्टी भी ये कर लिया, हम लोग पकड़ लेते थे बाल को, है ना, आप सामने और कोई आके छू लेगा तो फिर नहाना पड़ता जाके। आज कुत्ता को पास में सुलाते हैं, ये संस्कृति हम लोग का हो गया। क्योंकि शास्त्र कहाँ भी कुत्ता को, हाँ कुत्ता को भोजन देने का व्यवस्था है, उसको बाहर भोजन दे दो, लेकिन घर में रखने का व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम लोग जिसको रखना चाहिए, अभी जगन्नाथ कहाँ रह गए, हमारे लिए तो बाथरूम तो 8x8 का हम लोग बनाते हैं, है ना, 10x10 15x15 वहाँ तो पूरी, आप देखो कैसा आप लोग ऑलरेडी। लेकिन भगवान का स्थान अभी कहाँ हो गया, वो अलमारी छोटा सा जो ये उसी में, और अगरबत्ती किसी के ऐसे भगवान शायद भाग्यवान होंगे भगवान भाग्यवान होंगे जहाँ जिसके घर में अगरबत्ती मिलता हो, नहीं तो प्रसाद तो दूर की बात है। और प्रसाद में फिर क्या उखुड़ा उड़िया तो आप लोग है ना सर पखड़ा प्रसाद में आप उड़िया तो समझ रहे होंगे ना प्रभु जी नहीं हो प्रभु जी तो पखा प्रसाद में उखुड़ा तो, और हम लोग का प्रसाद में वो तो कोई भक्ष्य चीज खाता है, कोई अभक्ष्य चीज भी खाते हैं, वो तो छोड़ो। लेकिन इस चीज को इतनी गौरवान्वित परंपरा है, इतनी परंपरा नियम भी घर वाले जो बनाए हमारे उड़ीसा का ईशान घर है ना, ईशान घर में और किचन में, मैं बहुत बार हमारा माँ जब स्नान नहीं करते तो किचन में कोई घुसता नहीं, और घुसेगा तो कोई बच्चा है उसको नंगा करके फिर उसका कपड़ा उतार के जाओ लेके आओ सामान दो, ऐसा ना था हम लोग घर में अभी भी कुछ ऐसे। लेकिन हम लोग क्यों मैं ये बात बोल रहा था हम लोग नियम भी अभी भी कुछ नियम कोई जगह में है लेकिन लक्ष्य हम लोग भूल गए। वास्तविक ये क्यों हम लोग इस चीज क्यों कर रहे हैं, इतनी जो नियम हम बना के रखे हैं कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इस चीज को हम समझ नहीं पाए। इसीलिए नियम नियम ही रह गया। आज भी ऐसे बहुत जगह में नियम है घर में, लेकिन लक्ष्य क्या है, जो भगवत भजन, जो भगवान, हम हाँ किचन में नहीं जाएंगे क्यों, अशुद्ध होता है हमारा शरीर, किम किम भगवान है, ईशान देवता रहते हैं वहाँ भगवान रहते हैं,
सबका इष्ट देव, ईशान मतलब सबका इष्ट देव, सारे कुल देवता वहाँ रहते हैं ना, कुल का जो डीटी है वो रहते हैं, तो उसको इसलिए वहाँ पर नहीं जाना। लेकिन हम ऐसा कल केवल तो नियम नियम में रह गया, लेकिन वास्तविक जो भगवान का भजन करना चाहिए, वास्तविक जो भगवान है उसको हम भूल गए, जगन्नाथ जी को हम भूल गए वो चीज़। और नियम आज भी बहुत नियम है उड़ीसा में, मैं देखता हूँ बहुत नियम है, उड़ीसा माता है प्रभु जी बहुत नियम, लेकिन जो भजन में जो रस, जो भजन करना चाहिए उसमें नहीं है, वो सब नियम करेंगे, साड़ी पहनने में गुरुवार में लगाएंगे, चोखा लगाएंगे, सब क्लीन करेंगे सब कुछ के। लेकिन भजन जब करने के लिए आएगा, जप करने के लिए, भजन करने के लिए, माला करो, जप करो, रामायण महाभारत पढ़ो, वो चीज़ नहीं। अगर उसको ध्यान नहीं करेंगे तो फिर केवल नियमाग्रह में हम रह जाते हैं, और नियम कोई तोड़ता है थोड़ी बहुत तो फिर उसका गुस्सा करेंगे, अरे ये तो ये जानता नहीं कुछ नहीं ये कर। लेकिन मैं कंपेयर नहीं करता हूँ, लेकिन हम मैं भी वैसी उड़ीसा से हूँ, जो ये हो रहा है, जो स्थिति आज है, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। इसलिए मनुष्य जीवन से पहले, मनुष्य जीवन समाप्ति से पहले हम लोग भगवान को जानना चाहिए, क्योंकि इतना छोटी छोटी चीज़ हम लोग जानते हैं तो इतनी परिश्रम कर पाते हैं, लेकिन भगवान को जानने के लिए क्या आवश्यक है। कल हम लोग जा रहे थे, जाजपुर से आ रहे थे, एक लड़का बैठा था, वो बहुत गाली दिया, ये रे बाबा, वो देख रहे कि बहुत ईर्ष्या, इतनी ईर्ष्या, बाबा जा रहा है गाड़ी में, स्कॉर्पियो में। तो यही बात देखिए, कोई वो इतनी गाली दिया, लास्ट में हमारे लोग भक्त लोग को जाके उसको ये कह रहे, भाई तुम किताब लो। यही बात आज से 20 साल पहले एक गोवर्धन, मैं गोवर्धन में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश के गोवर्धन, जहाँ भगवान ने गिरिराज को धारण किया था, वहाँ एक ऐसा, मैं जा रहा था गाड़ी में, तो एक लोगों ने कमेंट दिया, बाबा गाड़ी में बैठ के जा रहा है। तो जो जिसका गाड़ी था, अब उसका नाम पुरन कुमार कौशिक वो थे, जो मेरे जानकारी जो थे, तो उन्होंने बोला क्या बाबा नहीं जाएगा क्या, तू बास्टर्ड तू जाएगा गाड़ी में, अरे बाबा के लिए तो ये प्लास्टिक कार है ये, उनके लिए तो सोना का डायमंड कार भी बेकार है। तो वास्तविक साधु क्या करता है, बोले साधु क्या है, ये तो सब ऐसा ही है। लेकिन साधु ये बोलते, तुम लोग का क्या करता है, तुम हम लोग तो सब कर्म कर रहे हैं, आप लोग साधु मतलब कर्म नहीं करता। वो कोई बोलता था ना, मैं पेपर में आया था, सब MP MLA हैं, लेकिन साधु क्या है, साधु भी MP हैं, मेंबर ऑफ परमात्मा, MP मेंबर ऑफ परमात्मा। ये भी ये लोग भूल गए आज, ये भूल ना, ये भूल जाने के कारण वो लोग क्रिटिसाइज करते वास्तविक साधु। हाँ, कुछ तथाकथित साधु के रूप में कोई कुछ खराब कार्य किए, इसीलिए वो लोग सोचते हैं सारे साधु ऐसा है, एक जैसा है, इसीलिए अपराध बहुत करते हैं, और अपराध के कारण धीरे धीरे मति भ्रष्ट होता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में आप देखिए आज भी, क्योंकि हम लोग वहाँ रहते, मैं 30 साल से हूँ नॉर्थ इंडिया में, लेकिन ऐसा व्यवहार नहीं। हाँ, कोई व्यवहार करेगा तो तुरंत, मैं आपको मेरा अनुभव थोड़ा सा बताता हूँ कैसे वास्तविक क्या है। एक बार मैं ब्रह्मचारी था, मैं ऐसे चढ़ गया कि गाड़ी में बहुत लोग बैठे थे, कॉलेज स्टूडेंट थे, तो सब बैठ गए, तो आके वो स्टूडेंट लड़का लड़की मुझे शुरू कर दिया क्रिटिसाइज, बूढ़े लोग कुछ थे बैठे थे, तो उन्होंने बोला ये 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 साधु, ये तो पूरा सब कुछ ठीक है इसका, ये साधु क्यों बन गया, अरे तेरे को शादी करने के लिए इच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे चीज़। मैं चुपचाप ऐसे बैठा रहा, एक वृद्ध व्यक्ति थे वहाँ के, उन्होंने आकर के मुझे क्षमा प्रार्थना किया, महाराज आप ये नालायक, इनका इनका बात मत समझना, इनका ये करना, अरे नालायक, जो साधु होते हैं वो माँ का पेट से जट, जो सांड होता है ना माँ का पेट से जट लेके आता है ना, तो साधु होते कुछ साधु होते हैं ऐसा नहीं, साधु पूरी जन्म से ही होते हैं। तो इसीलिए किसी को क्रिटिसाइज, उसके बारे में कुछ जानते हो, वो कौन है, कैसा है, कहाँ से आया है, कुछ मालूम है, तो सब लोग चुप हो गए। मैं उनको बोला, मैं इंग्लिश में एक शब्द बोला, तो बोला बाबा इंग्लिश भी जानता है,
तो तुरंत फिर बोले, फिर वहाँ से धीरे 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 वो बच्चे लोग, फिर बच्चे लोग सब लोग माफ़ी मांगे, बोले महाराज हम ऐसा अपशब्द बोले, मतलब देखो कभी भी ऐसा अपशब्द कोई साधु को नहीं बोलना चाहिए। अरे साधु का क्या, तो इसलिए क्योंकि हम परमात्मा को जानने के लिए कितनी आवश्यक, मैं क्यों ये बात ये किया, भगवान को जानना चाहिए, भगवान का जानकारी कौन देगा। साधु को तो हम निंदा करेंगे, साधु के पास जाके बैठेंगे नहीं, किसके पास बैठेंगे आज, किसके पास जाके बैठेंगे, किसका मेंबर बनेंगे, रोटरी क्लब का, और किसका, और रोटरी क्लब का लायन क्लब, इनका हम मेंबर बनते हैं, और वो क्या सिखा देंगे हमारे बच्चों को, क्या सिखा देंगे हमको, क्या सिखा देंगे। हमारे एक भक्त था, एक भक्तिन था, उनको वो थोड़ा सा ये था, उसको क्लब में गई और उसको साइकिल चलाना शुरू किया, और उसका बच्चा को छोड़ करके साइकिल चला के स्लिम बना, शरीर हीरोइन बना, और वो पूरा घर परिवार वो सारे परेशान, उसका पति परेशान, सब पति परेशान, वो साइकिल 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर ऐसे बहुत सारे माताजी मिल करके ऐसे चलाएं, ऐसा है मैं देखा दिल्ली के बाद ही। तो वास्तविक अगर साधु का हम निंदा करेंगे और फिर सत्संग कहाँ से करेंगे। हमारा जो ज्ञान, क्योंकि इसी जगत में जाने से पहले हमको आवश्यक है भगवान को समझना। भागवत बोलते हैं पदंती तत्ववेद तत्व ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दयति। तत्ववेद जो तत्व ज्ञानी वो भगवान को तीन रूप में उपलब्धि करते हैं, अनुभव करते हैं, ब्रह्म परमात्मा भगवान। ब्रह्म लोग लोग ये इस चीज़ को हम लोग क्लियर होना चाहिए। लोग बोलते ब्रह्म है सब, संसार ब्रह्ममय है, सर्वस्खलिदम ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है। कभी कभी इसमें भी हम लोग इसलिए इस चीज़ को, ये तत्व को हम लोग को समझ रही है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, वो भगवान क्या है। अगर हम लोग का प्रॉपरली हम इसको समझ नहीं पाते तो फिर हम लोग को ठगते हैं। से मरने से पहले भगवान को जानना बहुत आवश्यक है। क्यों आज अनुभव नहीं करते हैं हम भगवान को, क्यों समझना चाहिए, ये सत्संग क्यों करना चाहिए, क्या जरूरी है, और सब कुछ करना चाहिए लेकिन सत्संग क्या क्या जरूरी है, भगवान को भजन करना चाहिए क्या। विदेश में जितने प्रभुपाद जब गए थे इतने सारे लोग क्या पागल हैं, वो लोग को आकर के जो भगवान का भजन किया उनका पागल है क्या, पागल तो नहीं ना। तो इस प्रकार क्या है, हमारे ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, साधु संतों ने क्यों इस चीज़ को कहा, पूरा सारे वो लोग तो रिसर्च किए थे ना। हमारा जो अभी रिसर्च अभी जो चल रहा है भौतिक रिसर्च, वो बहुत समय के बाद थोड़ा सा आता है ना। कितनी आप अभी तो बोलेंगे तो बहुत समय लगेगा इस चीज़ भौतिक चीज़ क्या रिसर्च और लोग किए कहाँ तक पहुँचे, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने पूरा पहले कम कितनी सालों लाखों करोड़ों सालों से वो रिसर्च करके रखे हैं। भागवतम पूरा रिसर्च है, भगवद गीता इसको रिसर्च है। आपको शांति कैसे मिलेगा, प्रसादे सर्वदुखानाम हनिरस्य उपजायते। मैं आऊंगा उस लोक ब्रह्म परमात्मा भगवान प्रसन्न चेतस ह्यासु बुद्धिर्पर्ज्य व्यतिष्ठते। भगवद गीता में भगवान ये चीज बोलते हैं, प्रसादे सर्व दुखाना, सारे दुख आप प्रसाद में। मैं जब छोटा बच्चा था इस श्लोक पढ़ता था, प्रसाद मतलब प्रसाद जगना, प्रसाद खाना, सारे दुख चला जाना चाहिए और चित्त प्रसन्न हो जाना चाहिए, और होता नहीं। हमारे माँ को पूछता था ये क्या कौन मैं जब वास्तविक प्रसाद भगवान का कृपा, हाँ प्रसाद भी प्रसाद है, इसीलिए जो कृपा करके आप मोबाइल को थोड़ा सा साइलेंट मोड में लगा लीजिए क्योंकि समय बहुत कम है, और हम लोग अगर इस चीज में मेरा अपना, तो इस प्रकार दुख भौतिक दुख सब ग्रसित है और दुख के प्रति सबका भी लगाव है कैसे ये दुख निवृत्ति हो, लेकिन ये दुख निवृत्त कैसे होगा। जो तीन ताप हैं, ताप आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, ये दुख कैसे जाएगा, ये तो सब जगह में
कभी कभी लोग बोलते हैं इस्कन भक्त हो जाने से क्या चला जाएगा, क्या भजन करने से चला जाएगा, भोजन सब लोग रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं तो दुख तो सबके लिए है, क्या खाली भजन, कभी बोलते कि बाबा आपका सब का भजन करें। हाँ, यद्यपि इस भौतिक जगत में सब लोग रह रहे हैं, सब लोग के ऊपर जैसे बारिश होता है तो सब लोग भीगते हैं, सब लोग गीला करता है, लेकिन वो व्यक्ति जो व्यक्ति उसमें से बारिश में भी बच जाते हैं, कौन, जिसका, जो लोग छत्री के आश्रय लिए हैं। तो हमारा छत्री कौन है, भुज तौले मोते रखो मोहा, ये बहुत सुंदर भजन, बाहुतले मोते रखो, मैं बचपन में बहुत सुंदर भजन बचपन में गाता था मैं, विपुल भुज चढ़ाइए, हिंदी क्लास में उड़िया क्या बोले। तो वास्तविक भगवान का जो भूत भगवान महाबाहु है ना, बाहु रूपादम, अर्जुन भी गीता में बोलते हैं भगवान का जो बाहु है ना, भगवान का जो भुज है वो बहुत बड़ा बड़ा है। और कलियुग में सबसे बड़ा क्षत्रिय क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये क्षत्रिय को हम पकड़े तो यद्यपि भौतिक जगत का त्रिताप पड़ रहा है पूरी, तो वो यू विल नॉट अफेक्टेड, आप लोग अफेक्टेड नहीं होंगे उसमें, आप बच सकते हैं, हम लोग बच जाएंगे। कभी कभी लोग ये कहते, लेकिन बहुत उदाहरण है, कलियुग नहीं हर युग में बचाया है भगवान का नाम, इसलिए नाम से बड़ा और कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए सर्व स्कलितम ब्रह्म, जो देखता है क्या देखे आप, क्या ब्रह्म सब जगह ब्रह्म दिखता है, सब ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, लेकिन हम क्या दिखते हैं, हम तो घोड़ा गधा कुत्ता सब देखते हैं ना, सब सब चीज देखते हैं, स्त्री पुरुष सब देखते हैं, उसी के प्रति फिर हम अटैच होते हैं। सर्व स्कलितम ब्रह्म कैसे आए, फिर ये तो प्राइमरी ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान वो तो प्राइमरी है, उसके बाद आता है ब्रह्मेति परमात्मेति, परमात्मा का ज्ञान, ये तो ब्रह्म, हाँ सब जगह में ब्रह्म, वो उसका लिदम ब्रह्म है, उसके बाद परमात्मा। हर जीव में हृदयसु अर्जुन ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयसु अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन ईश्वर सबके हृदय में परमात्मा रूप में है। ये सेकंड रियलाइजेशन है, जो जिस प्रकार एक पहाड़ को हम दूर से दिखते हैं, लेकिन कभी कभी लोग ब्रह्म बोलते नहीं है, कुछ नहीं भगवान, कोई कोई निरा, वो सब निराकार है, कोई आकार ही नहीं है, दूर से पहाड़ को दिखता है क्या दिखता है, वो ऐसा अंधेरा सा पूरी दिखता है, काला सा पूरा दिखता है, वो बादल भी हो सकता है, धुआं भी हो सकता है ना कुछ, वो दिखता, वो रियलाइजेशन है लोग। लेकिन कभी कभी हम लोग गर्व अनुभव करते, नहीं ब्रह्म है, ब्रह्म सबसे बड़ा है, अलेक ब्रह्म। मैं जो बचपन में था वो बहुत ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन हमारा हम देखिए हमारा भागवत क्या बोलता है, भगवत गीता क्या बोलते हैं, वेद क्या बोलता है, तो उसका सेकेंड रियलाइजेशन जो थोड़ा सा और आगे जाएगा वो परमात्मा नहीं, परमात्मा हृदय में है। क्यों, हर दिल में, हर के, हर सबके हृदय में परमात्मा है, हमारे हृदय में भी परमात्मा है, भगवान की चीज बोलते हैं। अगर हम लोग इसको अनुभव नहीं कर पाए, कितने लोग अनुभव करते परमात्मा हृदय में है और उनके हृदय में भी है सबके, वो देखता नहीं, शरीर को नहीं दिखता, साधु क्या देखता है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनः कुधा, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गविहस्तिनी, ब्राह्मण गाय सुनी चैन सुपाके च चंदाल और कुत्ता, उसमें सब में एक ही परमात्मा दिखता है,
जो कौन दिखता है तो विद्वान है। तो ये नजर आया, हम अनुभव कर पाते। हमारे भगवान बोलते हैं अर्जुन तुम भटक रहे हो, तुम तुम्हारा हृदय भीतर में है भगवान, हृदयसु अर्जुन तिष्ठति, तुम भीतर जाओ। सबसे नियर एंड डियर है ना, सबसे हमारा प्यारा और सबसे पास भगवान है। लेकिन हम जब सहायता करने के लिए भागते हैं बहुत दूर। अगर हम परमात्मा के साथ यही हैं, पहले ऋषि मुनि क्या वो लोग कैसे रिसर्च कर, क्योंकि कनेक्शन वहीं पे हैं, लेकिन हम कनेक्शन लगाते हैं दूसरियों को, कनेक्शन करते कैसे हम, लेकिन वो लोग क्यों कनेक्शन करके परमात्मा के साथ कनेक्शन कर लेते थे, पटाक से पकड़ जाते थे, बता देते थे हाँ यहाँ ऐसा सब कुछ पहले से बोल देते थे। क्यों? क्योंकि परमात्मा के साथ उनका कनेक्शन है। क्योंकि ब्रह्म तो पूरा निराकार फर्म है, विच्छिन्न फर्म है ना, लेकिन परमात्मा, परमात्मा का फर्म आ जाता है, फर्म आ जाता है, फर्म समझ रहे हैं ना, एक रूप आ जाता है। मैं जब ताइवान में क्लास देता था, मैं गया था एक बार, तो वहाँ ऐसे क्लास दे रहा था, बोला गॉड हैज नो फॉर्म, ऐसा बोला गॉड हैज नो फॉर्म। मैं बोला दैट इज नॉट वन ऑफ हिज डिफेक्ट्स, नॉट वन ऑफ द डिफेक्ट्स, समझ रहे हैं ना। मुझे जब बोला, मैं बोला ना हाँ हाँ, इफ गॉड इज डिफेक्ट सो हाउ कम गॉड, अगर भगवान का कुछ कमियाँ हैं क्या उसको ऐसे सब उसको समझाने के लिए बहुत टाइम लगता है ना, लेकिन लोग क्या समझे, सब आप लोग समझ में आया ना। उन्होंने उन्होंने पूछा भगवान का कोई रूप नहीं है, मैं बोला भगवान का रूप नहीं है तो वो उनका सबका रूप है, इतनी इतनी सुंदर सबका, हमका सबका रूप है, लेकिन भगवान का रूप नहीं है तो ये भगवान का डिफेक्ट नहीं है, एक कमी नहीं है। भगवान मतलब ओम पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णम वदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते, उपनिषद का श्लोक है। ओम पूर्णमदः, वो पूरा कंप्लीट, और उनसे अब कुछ निकलता है वो भी कंप्लीट, शेष भी रहता है वो पूर्ण रहता है, कुछ भी जा चला जाए कुछ वो पूर्ण, वो कभी इनकम्प्लीट नहीं है, वो कंप्लीट है। तो कैसे फिर कैसे कंप्लीट, जब इन तो वो उनके उनमें कमी है तो इनकम्प्लीट है तो कैसे कंप्लीट हुआ। तो तुरंत उसको समझ में आ गया हाँ हाँ ये इन, तो फिर भगवान को कैसे कंप्लीट। हम लोग तो बहुत आर्गुमेंट करते हैं, नहीं नहीं भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान को बांध नहीं सकते। यशोदा माता बहुत चेष्टा किया बांधने के लिए, बांध पाया भगवान को, भगवान का शक्ति अलाउ नहीं किया, क्योंकि अनंत है। गाय दोहूटी गला चतुर्भुज हेले अनंत नहीं नहीं तो आप सो रहे जग बंधु परी जाने सामंत नहीं ना। ये बहुत सुंदर, आप देखिए ओडिशा का भजन कितनी, आप एक एक भजन भी आप उसको अभ्यास करेंगे, आज तो लोग भजन टाइम नहीं, वो पुरातन भजन आप देखिए मतलब कितनी सुंदर, गाई दुहू दुहू कैसा फिटी गला, भगवान गाय दूध थे वो दोहन कर रहे थे, दूध निकाल रहे थे, उनका केस खुल गया, चतुर्भुज हेले पूरा चपूरा शंख चक्र गदा पद्म ये करके नहीं नहीं तो जग ऐसा बंधु संसार में कोई नहीं। इसलिए हम लोग क्या चर्चा था, इसलिए माइंड में से वो आया कनेक्शन, क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे परमात्मा, ये सेकेंड रियलाइजेशन जो परमात्मा है, जो परमात्मा चतुर्भुज रूप है शंख चक्र गदा पद्म, वो हर जीवात्मा के हृदय में रहते हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों। उपनिषद बोलता है, भागवतम बोलता है, ऐसे नहीं केवल आत्मा रहता है, नहीं परमात्मा भी साथ रहते, क्यों हाँ आंसर था क्यों, लेकिन परमात्मा वहां रहने का क्या आवश्यक है,
गुड गुड, वो शिशि कैमरा है, आप सोचेगा नहीं। और दूसरी बात है और दूसरी बात, आप लोग बोलेगा परमात्मा मुझे अकेले छोड़ दिया। लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मैं यहाँ धक्का खा रहा हूँ, सॉरी इतनी कह में हूँ, परमात्मा था मजा कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, वो तो गोपाल क्या कृष्ण तो बांसुरी बजा के नाच रहा है, अरे वो तो पूरा रसिया है, पूरा कर रहा है, लेकिन हम तो यहाँ पसीना छूट रहा है, हम लोग का तो कुछ नहीं है, हम लोग परेशान नहीं। गोपाल ऐसा नहीं है तुरियातीत गोपाल स्वप्न सुसुप्त जागृत स्वप्न सुसुप्त, उपनिषद बोलते हैं गोपाल क्या वस्तु है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे बंसी बजाने वाला नहीं है। इसलिए वो क्यों, क्योंकि वो हर जीवात्मा का हृदय में रहते हैं, और जीवात्मा जहाँ तक जाता है, इवन जीवात्मा नरक में भी जाता है। माता जी सब बुझ चुके हो, समझ रहे हैं ना तो नरक में भी जाता है जीवात्मा, वो उसके साथ कभी छोड़ते नहीं, जीवात्मा को भगवान कभी छोड़े नहीं। इसलिए कोई बोलेगा नहीं हम तो नरक में चला, वो तो मजा मार रहा है, वो तो पूरा आनंद में रह रहा है, नहीं, भगवान सबके साथ हर समय रहते हैं। इवन नरक में जीवात्मा जाता है वहां भी वो साथ में रहते हैं, और वहां भी वो सन्मुख होता है, वहां भी उसका विमुख था छोड़ करके, अगर भगवान का और उन्मुख होता है तब भगवान तुरंत वहां से उठ, बस नरक खत्म। कृष्ण भूली जयी जीव भगवान छा करे अनादिर बहिर्मुख, जब भगवान वही होता है, तो इसलिए परमात्मा के रूप में भगवान हर जीवात्मा के हृदय में रहते, हम दोष नहीं लगा सकते, नहीं छोड़ दिया। पिताजी साधारण जगत में माता पिता जब बच्चे ये होता है कितनी दुख रहता है हृदय में, बेटा गया बेटी गया तो कब आएगी, कब कब आएगा ना, नहीं कैसे, तो वो परमात्मा है, वो परम पिता है, वो कैसे हमको भूल सकते हैं, कैसे ऐसे छोड़ सकते हैं, नहीं असंभव है। इसलिए वो व्यवस्था आप वेद उपनिषद पूरी ज्ञान पूरी चीज में आप देख लीजिए, कभी भी भगवान छोड़े नहीं जीवात्मा को, हम ये आरोप नहीं लगा सकते परमा भगवान मजा कर रहे हैं, वो तो रास रास कर रहा है। और कुछ लोग बोलते हैं हम भी भगवान बनेंगे, वो तो 16,000 शादी किया था और हम भी 1, 2, 4, 5 करेंगे, लोग ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं। और कभी भगवान को अनुकरण कौन कर सकता है, जो किया हो गया, तो इसलिए उनको नकल मत करो, उनका चरण में चलो, उनके चरण चिन्ह पर चलो, जो उनका शिक्षा मिलो, यही, क्योंकि भगवान रसराज श्री कृष्ण, कभी कभी भगवान राम को तो लोग समझ जाते हैं मर्यादा, लेकिन कृष्ण को समझ नहीं पाते, लेकिन कृष्ण भागवत में सारी अवतार का वर्णन करने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान सब, ये जितने सारे आप ये देख रहे हैं सब कला कला कला, लेकिन कृष्ण भगवान है, लेकिन जगन्नाथ हैं। हम लोग कभी भी ये कृष्ण के बारे में कभी बहुत मुश्किल होता है समझने के लिए, इसलिए स्वयं कृष्ण भगवान आए, वास्तविक जो कृष्ण को समझ गया वो सब कुछ समझ गया। हाँ, क्योंकि भगवान कृष्ण ने सबको ऐसा लीला उन्होंने किया भौतिक जगत में, कैसे आप करना है वो सब चीज मर्यादा भी दिखाए, और किसको ठकना है, किसी को कैसा करना है, भौतिक जगत में ऐसे ऐसे लोग बहुत आएंगे आपको ठकेंगे, लेकिन अगर आप भगवान का भक्त बनते हैं, कृष्ण का भक्त बनते, आपको कोई ठग नहीं पाएगा। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सब, नहीं ये शास्त्र है, आप हिस्ट्री में आप जाएंगे जो अनुकरण किया भगवान का, ये क्या उसको कोई ठग नहीं पाया। इस प्रकार भगवान हमारे हृदय में, ये सेकेंड रियलाइजेशन है, परमात्मा रियलाइजेशन है, जो परमात्मा, फिर परमात्मा के ऊपर
भगवान ही रियलाइजेशन है। परमात्मा तो चार हाथ वाले लेकिन भगवान दो भुज है, पूरी हम लोग जैसे हैं। अजन्मा होकर के अजोपी सन्यव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन प्रकृति स्व अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। यदा यदा ही धर्म से श्लोक से पहले का श्लोक ही है। लोग जदाई जदाई धर्म को तो पूरा सब रट रखे हैं, सब लोग याद रखे हैं। उसका पहला नंबर आप चतुर्थ अध्याय भगवद गीता का वो जदा जदाई धर्म से छठा श्लोक या पांचवा श्लोक होगा, उसमें बोल रहे हैं अजोपी सन्य व्यात्मा। मैं मेरा जन्म नहीं है, अज अज मतलब जिसका जन्म नहीं है। अजोपी सन्य व्यात्मा भूतानाम मैं सारी का, लेकिन अजो होकर भी मैं जन्म लेता हूँ। अजन्मा हूँ लेकिन फिर भी मैं लेता हूँ, क्योंकि अभी भगवान का है ना, इसलिए भगवान के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। अजन्मा होकर भी कैसे जन्म, लेकिन इसमें कैसे, जैसे बोलते हैं भगवान का, भगवान निराकार है। हाँ निराकार है, शास्त्र भी बोलता है निराकार है, निरंजन है, ही इज ओमनिशियंट ओमनिपोटेंट है ना। कैसे उसका निराकार मतलब ऐसे हमारे जैसे आकार नहीं, हमारे जैसे भौतिक शरीर, जैसा हम लोगों का भौतिक शरीर कितने किलो उठा सकते हैं, कितने किलो उठा सकते, कितने समय तक रख सकते। वो बोलते हैं ना हाँ भगवान ऐसा कर दिया, कंपेयर करते हैं लोग कभी कभी। मैं बोला आप ऐसे ही एक घंटा हाथ रखो, भगवान तो 7 दिन हाथ ऐसे रखा था, बड़ा पहाड़ को रखा था ये करके, ऐसे ही दो एक आधा घंटा एक घंटा रखो ऑटोमेटिक हाथ ऑटोमेटिक गिर जाएगा, है ना। तो इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिए, भगवान जो जो शास्त्र में कहा गया निराकार है, वास्तविक निराकार मतलब ऐसा आकार नहीं है। भगवान का सुंदर सा रूप है, बहुत सुंदर सा रूप, जो रूप को देख करके यमुना रुक जाता था, गोपियां पागल हो जाते थे, गैया पेड़ पौधे आज भी वृंदावन, वो पूरा ऐसा भगवान थे, इतनी कमनीय रूप, क्योंकि सारे रूप उनसे आता है, सारे इंटेलिजेंस सारे ज्ञान उनसे आती है, क्योंकि वो भंडार है, वो परम सत्य है। त्रिसत्यम सत्यस्य सत्यम निहितं च सत्ये, सत्य से योनि। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं गर्भस्थिति में, देवकी के घर में जब भगवान आते हैं वो पूरा लगा देते हैं। भागवतम का पहला श्लोक में खाली केवल सत्यम एक सत्य बोल करके रह गए, सत्यम परम धीमहि। आप लोग थोड़ा सा पढ़िए, समय तो आप लोग को होता नहीं लेकिन भागवतम ऐसा रस है, वो तो आजकल नवेल पढ़ रहे हैं लोग, फिल्म देख रहे हैं, लेकिन हम लोग साधु होने के बाद ना फिल्म कभी हमें तो ऐसे ही देखा नहीं फिल्म कभी। अब और वो क्या चीज़, वो तो बेकार है, लेकिन लोग नया फिल्म के लिए तब नंबर लगाते हैं। नहीं, हर चीज़ कुछ ना कुछ जगह उस समय का वो वातावरण का कुछ दिखाता है कुछ ये, लेकिन एसेंस को देखिए। तो इस प्रकार अगर हम भगवान का रूप, इतनी सुंदर सा रूप, और जो रूप को दिखने से अनुभव करने से ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति लास्ट रियलाइजेशन है। लास्ट रियलाइजेशन समझ रहे ना, रियलाइजेशन क्या बोलते हैं, अनुभव, ये भगवान ये लास्ट रियलाइजेशन है। जब पहाड़ को देखते हैं बहुत दूर में वो दिखता है कुछ ना कैसा, वो ब्रह्म जब पास में दिखता, अरे ये तो पहाड़ था, ये तो बादल नहीं था, कभी कभी बादल दिखता ना पहाड़ जैसा, अरे ये तो नहीं, ये तो परमात्मा, ये तो पूरी, लेकिन लेकिन जब पहाड़ के ऊपर हम पहुँचे, अरे पूरा सब यहाँ तो खाली पहाड़ में, इसमें तो सब कुछ है, नदियाँ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, बहुत सारे चीज। जब भगवान रियलाइजेशन जो है, कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग सोचते हैं, हम लोग अपने अनुभव करते हैं, नहीं हम तो ब्रह्म ही सब कुछ है, और हम ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे पूरा हम बहुत, लेकिन गोपियों को क्यों श्रेष्ठ कहा गया है, वो परम ब्रह्म जो अहो भाग्य, ओ भाग्य,
ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ये बड़ा क्या भाग्य है, नंद ब्रज कसो यन मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये वृंदावन वासियों का क्या भाग्य है जिनके पूर्ण ब्रह्म जो सनातन पूर्ण ब्रह्म है तो जिनका मित्र है, जिनका सखा है, जिनका पुत्र है, ये कैसा है। तो इस प्रकार ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द हम लोग समझना पड़ेगा भगवान कौन है, क्योंकि अगर हम भगवान को समझ नहीं पाए क्या आवश्यक है भगवान को समझना। भगवान नहीं समझेंगे तो क्या पता नहीं चलेगा हमारे। जब मैं जब कभी कभी ना स्कूल जाने से पहले फटाफट जा दांत, कोई कभी बच्चे लोगों ना दांत मांजने के लिए ऐसे करके खा के चले जाते। हमारे एक बड़ी माँ था, प्रभु ना बोलते हैं बड़ी माँ, तो उन्होंने बोलता हमारे माँ को ऐसे कर बोलता ठीक है, अरे घोड़ा हाथी तो कितनी मोल होते हैं, वो लोग तो दांत मांजन नहीं करते। आप गाँव में सुना होगा ना घोड़ा हाथी कितनी मोल होते हैं, मोल समझ रहे ना, उनका इतनी पैसा देगा, और वो लोग तो दांत मंजन नहीं करते, हमारा बेटा दांत मंजन नहीं किया खा लिया तो क्या हो गया तो वास्तविक ये चीज कितनी इम्पोर्टेंट है, भगवान को समझना कितनी आवश्यक है, जानना तत्व तो जानना देखना। तो अगर इस चीज को हम समझ नहीं पाए तो जिस प्रकार पशु, ऐसे ही हम लोग का जीवन है। और दुख लगता है, लोग देखो मार्केट में कितनी माया का बाजार है, बाजार आप देखो पूरी, और इंटरनेट ये पूरा परफेक्ट लैंग्वेज है, इंटरनेट मतलब माया का जाल पूरा प्रॉपरली बैठा है। आप देखो हम बोलते हैं ना माया जाल में डाल करके सबको, ये पूरा वो नहीं है कोई, वो पूरा वहीं से बना हुआ है पूरी इंटरनेट, मतलब उसमें एक बार पड़ जाओ गया पूरी आपका टाइम गोल सब गोल पूरी। लेकिन नहीं, इसमें है माया का जाल में भी फंस करके उन लोग उखाड़ कर भी आते हैं। इंटरनेट में भी क्या है नहीं कुछ, बहुत सारे चीज सीखनी है, लेकिन कौन सीखनी है चीज कौन दिखता है। हमारा इंद्रियां ऐसा है, वो इंद्रियां सब जाता है बेकार चीज में, और वही चीज हमारे शास्त्र चीज रखो लेकिन राम जैसा रहो। जब एक प्रसंग आ गया इसको बोल करके, ज्यादा आप लोग तो बोर तो नहीं हो रहे ना, सो तो नहीं रहे ना एक प्रसंग आ गया रामायण का, क्या प्रसंग है, जब राम लक्ष्मण माता सीता जा रहे थे तो लक्ष्मण जी धनुष लाए और एक चमाक चमचमाका क्या लाए थे, तलवार, प्लस तलवार। तो तलवार को देख करके कुछ समय रास्ते में चलने के बाद जंगल के बीच चले तो माता सीता का बहुत दुख हुआ। प्रभु पूछे क्या क्या कष्ट है तुम्हारा, वो केवल माता दिखती थी वो तलवार को, लक्ष्मण जी को तलवार को देखती थी फिर ऐसे करती थी। क्या है ना मुझे डर लग रहा है, क्यों क्या ना ये तलवार जो पकड़ा ना, क्योंकि तलवार अब जानते हैं जो खजा के फर्स्ट क्लास तलवार आता है तो थोड़ा सा लगा देने से मजा आता है ना बच्चों को काटने में कुछ, तो इसमें कभी कभी जिसके पास तलवार होता है गन होता है थोड़ी बहुत गुस्सा हो गया काम खत्म ठुस खत्म काम से करते हैं, तो इसमें से हुआ पाप होगा। क्योंकि अगर सही व्यक्ति नहीं, आप देखा दो लोग अमेरिका में कितनी मर्डर हो रहे हैं, गन दे दिया सलीन कर दिया सब जगह में उपलब्ध है बस देखा गया लेके बस टू 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 कितनी बच्चे खत्म, बच्चे स्कूल में। तो उन्होंने माता बोला ये मुझे डर लग रहा है क्योंकि पाप और अपराध व्यक्ति को पतन करवाता है, पतन का कारण ही पाप और अपराध, जो समझ नहीं पाता और अपना वशीभूत बस में नहीं रहता। इसीलिए मैं समझ रहा हूँ आप लोग ऐसा करेगा ये जो चमचमा का ये तो कब मारे बहुत लोगों को मारेगा बहुत, तो फिर इसमें से अपराध होगा फिर हम लोग का पतन होगा। तो उन्होंने एक कथा बोलती है, आप रामायण में सुना होगा ना इस चीज को,
ये वाल्मीकि रामायण में है, ये मैं बचपन में पढ़ा था इस चीज़ को, ये कथा प्रसंग में यह आ गया। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कथा बोला, एक बार एक व्यक्ति इंद्र बनने का पूरी टाइमिंग आ गया। इंद्र कौन बनता है? जो स्वधर्म 100 साल 100 जीवन अपना स्वधर्म को प्रपल्ली करेगा, समझ रहे हैं, तो वो इंद्र बन जाएगा, पूरा देवताओं का राजा, पूरी सबका पूरी, तो इंद्र बन जाएगा। तो वो पूरा 99 पूरा 99 पूरा कर लिया था, तो लास्ट एक वो पूरा आराम से अपना स्वधर्म, साधु था, मतलब वो बूढ़ा हो गए थे, बूढ़ा होने के बाद जैसे गृहस्थ थे वानप्रस्थ गृहस्थ, मतलब ब्रह्मचारी गृहस्थ रहे, वानप्रस्थ लिए, फिर साधु होके जंगल में थे। तो इंद्र ने देखा इसको कैसे हम पथभ्रष्ट कराएगा, तो आया एक ऐसा ही व्यक्ति बन के, और वो बड़ा अच्छा से चमचमा का वो तलवार लेके आया। आकर के वो साधु को बोला, महाराज जी ये थोड़ा सा इसको रख लेना, मैं थोड़ा सा अर्जेंट में जा रहा हूँ, थोड़ा आप इसको रख लेना थोड़ा, और मैं आ रहा हूँ, आप मैं ले जाऊँगा, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, इसको कैसे लेके जाऊँगा, इसको रख लेना, आप याद कर, मतलब मुझे इतना याद नहीं हो रहा क्योंकि बहुत दिन पहले मैं रामायण पढ़ा था, इसी कथा प्रसंग में आ गया मैं, इसलिए आपको मेरा ये नहीं था इंटेंशन यहाँ बोल, लेकिन जो रिलेवेंट है ये बात बोलते हैं। तो उन्होंने वो जो साधु थे पहले तो बोले ठीक है वो कोने में रख लो, हमको क्या मतलब है, वो तलवार में हमको गंध में, हम लोग का क्या मतलब, हम लोग का गंध तो हरे कृष्ण हरे, इसमें सब सब खत्म है ना, इसमें क्या मतलब, रहने दो भाई। तो जब घर का सफाई करते थे, झाड़ू लगाते थे, तो उसको थोड़ा सा पकड़ते थे, पकड़ करके उसको, वो पकड़ने से धीरे धीरे उसका जो इन्फ्लुएंस, जब तक शुद्ध नहीं है ना, बहुत ही जगह तो हमको इन्फ्लुएंस करेगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग आप लोग अच्छा से सुन रहे हैं, इसलिए बहुत सारे बहुत चीज़ मेरे माइंड में आ रहा है बोलने के लिए, लेकिन समय तो बहुत कम है, जितने समय तक हम ये करेंगे तब उसको, मुझे बोले थे प्रभु जी 1 घंटा ये करना। तो वो पकड़ा एक दिन, थोड़ा पकड़ा, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा पकड़, जब लड़ाई करते ना देखो कैसा टू टू करके पूरा फर्स्ट क्लास चलता है गाड़ी, हम लोग ये क्या ना राम रावण युद्ध लगाया पूरी भयंकर, बचपन में यही हम लोग का एंटरटेनमेंट था, हम लोग बगीचा में जा करके ना फर्स्ट क्लास राम रावण का, कितनी इंद्रजीत और इसका मेघनाथ का लक्ष्मण जी का कितनी लड़ाई हुआ पूरा। आज लोग आज बच्चों के पास तो यही सब बेकार चीज में फंस के ऐसे उस मोबाइल में रहते, हम लोग तो पूरा करते थे इस चीज़ को। तो इस प्रकार जब उन्होंने पकड़ा वो चीज़ को धीरे धीरे, उसका महीने में 2 महीने में उसका इन्फ्लुएंस में वो आ गया, आके उन्होंने पहले देखा थोड़ा सा निकाला, अरे ये तो क्या चमचमाता पूरा, जब उसका म्यान से निकाला ना ये तो पूरा, तो फिर उन्होंने देखे थोड़ा सा देते हैं, तो ऐसे थोड़ा सा एक कटा एक पटाख से, मतलब उसको तो पूरा बहुत भयंकर तीक्ष्ण धार था, कट गया। तो ऐसे 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 वो तो फिर जंगल को काटने लगा, कोई शेर आ गया आई चल कट काम खत्म, ऐसा पूरा जो साधुता था, जो साधु क्योंकि वैरता नहीं था, शेर से लेकर के सब लोग दंडवत लगाते थे वो साधु को, जहाँ जाते थे कोई अटैक नहीं करता था कुछ, तो धीरे धीरे ये जो साधुता गुण चला गया, और वो इतनी पाप कर लिए तो फिर उनका वही गाड़ी रुक गया जो इंद्र बनने का था इंद्र। तो माता सीता ने बोला, प्रभु ये मुझे ये डर, लेकिन क्यों ये बात मैं बोला था मालूम है किसी, कौन अटेंटिवली सुनता है, ये बात क्यों बोला था, इंटरनेट का माया से भी मुक्त हो सकता है, इंटरनेट में रह कर के जाल में रह कर के आप ऊपर आ सकते हैं, है ना, ये चीज़ आप ध्यान देने का, आप सब एजुकेटेड हैं, यू हैव टू रिमेम्बर नो मैं इसीलिए थोड़ा सा आपको दे रहा हूँ, कहाँ हम लोग थे, किसी कहाँ से हम लोग आए थे। तो इस प्रकार जब उन्होंने पकड़ा, लेकिन भगवान राम बोले नहीं,
तुम इस चीज को डरो मत, हम लोग पूरी इंद्रिय जीत हैं, इंद्रियों को जीत हम, ऐसा नहीं कभी ऐसे इसका कोई भी एक घास भी इसी तलवार में हम नहीं काटेंगे, क्योंकि किया भगवान राम ने तो, भगवान कृष्ण ने तो कुछ पकड़ा ही नहीं अस्त्र कुछ, लोग बोलते हैं कृष्ण बेकार क्या, भगवान अस्त्र पकड़ा खट बस खत्म काम देखो क्या लीला है, कैसा लीला है। कभी हम आएंगे तो फिर भगवान के बारे में बहुत चर्चा करेंगे, पहले ये प्रारंभ क्या है, क्योंकि फिलोसफी बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्र से फिलोसफी जरूरी, इसलिए मैं फिलोसफी, क्यों आप लोग नहीं तो दूसरी जगह में तो ऐसे कथा करके थोड़ा हम चले, लेकिन फिलोसफी बहुत जरूरी है, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं लेकिन आप तुरंत अच्छा से इस चीज़ को पकड़ सकते हैं, वास्तविक हम जन्म कैसा, भगवान कितनी आवश्यक है हम लोग का जीवन में, गधे जैसे हम लोग ऐसे मार्केट स्ट्रीट में हम लोग जाएंगे नहीं, जो इच्छा हो जाता है गधा क्या करता है खा जाता है ना, ये भी जहाँ आश्रम पड़ा है चलो पकड़ा आओ आओ बस कचौड़ी आओ आओ सब बस, तो जीवन ऐसा है। और जहाँ देख लिया, हमारा एक दोस्त था, किसी का घर में जाएगा बेडशीट देख लेगा, माँ को जाके बोलेगा माँ ऐसे बेडशीट चाहिए, अरे उसका माँ बोलेगा इसको समझाओ, इसको गधा को समझाओ, जहाँ देख लिया ऐसा बस, मैं अनुभव का बात नहीं आपको बोल रहा हूँ, तो इस चीज के प्रति ध्यान रखें। कहाँ हम लोग थे हाँ इंटरनेट में कैसे, तो भगवान राम क्या बोले हाँ, लेकिन भगवान कभी एक घास को भी उन्होंने काटा, लक्ष्मण जी के ऊपर उन्होंने प्रहार किया ब्रह्मास्त्र, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं नहीं भगवान, ये कोई शिक्षा है, गुरु ने शिक्षा दी है, इस चीज को कब आप यूज करेगा ये अस्त्र, क्योंकि ये पूरा ध्वस्त कर देगा संसार को, ये नष्ट कर देगा पूरी, इसलिए इस चीज को यूज मत करना। जब पूरा लास्ट वो लोग तो फटाफट करके खत्म करने वाले थे, लेकिन हो पाया नहीं, तो आप देखिए इंद्रिय से हम, तो हम लोग कैसे इस भौतिक, यही है शिक्षा, भगवान स्वयं आ करके ये शिक्षा देते हैं, इस जगत में रह करके सब जगह में रह करके, जैसे हमको कैसे हम अफेक्ट नहीं हो, ये भौतिक जगत हम कैसे कबलित नहीं करेगा, यही हमारा भागवत गीता भागवतम सिखाता है, कैसे हम निर्लिप्त रहेंगे पद्म जैसा, पानी में रह कर भी अनटच रहता है, यही शास्त्र यही सिखाता है हम लोग, अगर अध्यात्म हम नहीं पढ़ेंगे नहीं तो अरे मर गया रे मैया रे बाप रे पूरा सब, इतनी मोह इतनी, और उसके पीछे कितनी हम दुख हैं टेंशन है, हम तो परमात्मा का अंश है, तो ये कहाँ से आ गया ये सब अन्वय अभ्यास, ये कहाँ से आ गया, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। कुछ प्रश्न कुछ ये करेंगे ना, कथा तो अनेक है लेकिन वृंदावन का कथा शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और आपका थोड़ा सा अच्छा नेक्स्ट टाइम होगा वृंदावन कथा, दो दो तीन तीन घंटे करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा था आपका मन में क्या चीज़ है, क्योंकि कभी कभी भगवान का कथा को प्रति इतनी इंटरेस्ट नहीं हो, जब तक हम प्राइमरी में अवस्था में है ना, भगवत कथा में रुचि नहीं होगा, वो तो इस चीज़ में चुटकुला ये सब कथा में ये सारे चीज़, लेकिन भगवत कथा ऐसा तो इसलिए आवश्यक है, ये चीज़ जरूरी है, ये चीज़ फिलोसफी हम लोग समझे, क्योंकि फिलोसफी के हिसाब से दर्शन बोलना, दर्शन के हिसाब से हम लोग अगर इस चीज़ को ग्रहण करेंगे तो फिर हम लोग कोई भी कभी भी हम लोग परास्त नहीं होंगे, यं शास्त्र विधि में सूर्य वर्तते काम कार, अगर शास्त्र का हिसाब से हम नहीं चलेंगे, शास्त्र के हिसाब से नहीं तो फिर मुश्किल ही होगा, सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम अपना ढंग से चलेंगे, आजकल क्या अपना ढंग से चलते हैं लोग, मेरा पथ है मैं इसे निकाल दिया, मेरा ऐसा ऐसा मेरा मत ऐसा है, इसीलिए गड़बड़ है सब, बहुत मुश्किल हो रहा है, वो अपना अहंकार को लेके चलता है।
इसलिए अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार को नष्ट करो। वास्तविक अहंकार अगर हमारे हृदय में आएगा, अहंकार रहना चाहिए, हर चीज को भगवत सेवा में हम लगा सकते हैं। जो छह चीज शास्त्र में बताया गया है उसको त्याग कर देना चाहिए, है ना। लेकिन वो छह चीज पांच चीज आप लगा सकते हैं भगवान के सेवा में, एक चीज त्याग कर सकते हैं। छह चीज जो भगवान बोले, छह चीज क्या है वो त्याग करना योग्य क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, माश्चर्य। इसी में हर चीज को, पांच चीज को हम लगा सकते हैं भगवान की सेवा में। अहंकार को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कैसे? अहंकार जो हम लोग अहंकार में क्या करते हैं, मैं हूं ऐसा, है ना, मैं हूं ऐसा। लेकिन वास्तविक अहंकार, वास्तविक अहंकार क्या है? मैं भगवान का दास हूं। ये अहंकार भी रहेगा, मैं इंद्रियों का दास नहीं हूं, मेरा मन का दास नहीं, मेरा पकौड़ों का दास नहीं हूं। नहीं, क्या पिज्जा, क्या खाद्य, क्या है उस बार बोल, ये चीज बीड़ी का दास नहीं, बीड़ी नहीं तो खाई नहीं, क्या क्या लोग सेवन करते हैं वो उसका दास बन जाते हैं। वो नहीं होगा तो लाठी नहीं होगा। चाय का दास, चाय नहीं होगा तो वो दास का नहीं है। हम लोग गोस्वामी हैं, हम लोग भगवान का नित्य दास हैं। इंद्रियों का दास यही शिक्षा देता है। इसलिए आज जो संसार में सब गोदास हैं, गोदास मतलब गो इंद्रियों का दास हैं। गोस्वामी प्रभुपाद जी कहा करते थे, प्रभुपाद जी बोलते थे, मैं गोस्वामी बनाना चाहता हूँ सबको, जो गोदास में सब पड़े हैं, सब इंद्रियों का दास। गोस्वामी, इंद्रियों का स्वामी बनो। अगर इंद्रियों का स्वामी हम बन जाए तो जो भी चीज़ हम सोचेंगे, जो भी करेंगे, परफेक्ट सच होगा। इसलिए जो मिथ्या अहंकार, उसको भी भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। वास्तविक अहंकार है, सच्चा अहंकार है, मैं भगवान का दास हूँ, प्रभु आपका सेवा में कोशिश कर रहा हूँ आपका दास बनने के लिए। भक्त तो बोल, भक्त तो ये बोलते हैं, कोशिश कर रहा हूँ आपका दास बनने के लिए। दास बनना इतना आसान नहीं है, ये तो गधा घोड़ा बनना तो बहुत लोग तो, क्योंकि वो लोग तो कभी दास बने नहीं, लोग सोचते क्या दे रहते हैं ये बनना। हाँ, वो क्या बोलते हैं ना, आप कभी नाटक यात्रा देखा ना, यात्रा में पाल करना कितनी है, और खंडा उठेगी जीवा, वो लोग उठाते हैं ना, जो सब गिर गया फिर जाकर अंधेरा हो जाएगा, फटाक से उठा करके ले आएगा सब सामान। आप लोग अभी वो चलता ना नहीं, हम लोग बचपन में ऐसे करते, अरे क्या रोल करेगा, खंडा उठाना मतलब तलवार उठाना, वो ना ऐसा है ना, आप सब लेकिन हनुमान का रोल कैसे करेंगे हम लोग? तो पहले तो हनुमान का उसका तो स्क्रिप्ट पढ़िए देखिए। हाँ, मन में तो होता था मैं हनुमान बनूंगा, लेकिन बनो तो कितने ग्लोरियस हैं हनुमान का चरित्र उनका। हाँ, जब देखते यही चीज़ होना चाहिए मन में, ये चीज़ आना चाहिए। और ये अटलस देख करके क्या, हीरो देख करके हम हीरो बनेगा, हीरोइन ही बनेगा। वास्तविक हीरो राम है, कृष्ण है। अगर ये चीज मन में हमारे बच्चों को, हमारे मन में स्वयं ऐसे होना चाहिए, वास्तविक उसी में है सत्यता, नित्यता, सौंदर्यता, उसी में है ये सब चीज़। कल ऊपर से हम लोग करने से नहीं होगा। सर, मैं ज़्यादा टाइम जो कर रहा हूँ ऐसे तो बहुत सारे चीज़ आएगा। मैं क्या शुरू क्यों कहा था, हाँ, काम क्रोध, इसको थोड़ा सा करके ये कर लो, क्योंकि टॉपिक तो बहुत बड़ी है। काम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जा रहे हैं, देखो समय हो गया है। बहुत धन्यवाद है, आप इतना समय आप दिए। काम क्रोध लोभ, क्या चीज छोड़ना चाहिए? एक चीज छोड़ देना चाहिए, ईर्ष्या, मत्सरता को छोड़ देना चाहिए, और सारे चीज। क्योंकि मत्सरता को नहीं छोड़ेंगे तो ये हमको ही खत्म कर देगा। हाँ, मत्सरता मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या
इसलिए भागवत बोलता है ये भागवत में वही प्रवेश कर सकता है धर्म प्रजोहित कैत भद्रो परमम निर्म शरणम सतम। ये भागवत धर्म में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसका ईर्षा निर्मच्छ जो मच्छरता नहीं है, उसको अनुसूया भी बोलते हैं। भगवान बोलते हैं भक्त स्वी में सखा जेते तुम बिकट यू आर माई, तुम मेरा भक्त हो इसलिए तुम ईर्षा रहित हैं, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। लेकिन जो ईर्षालु हैं मच्छरता ये बहुत, इसके ऊपर ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं चाइना में कम से कम 10 दिन ईर्षा के ऊपर क्लास दिया, ऑनलाइन क्लास, बहुत बड़ा टॉपिक है। हम लोग जानते हैं लेकिन हम लोग तो इतना समय बैठ नहीं पाते, देखो आधा घंटा 1 घंटा में ऐसे ऐसे। लेकिन चाइनीज लोग, मैं चाइनीज डेली क्लास देता हूँ, ऑनलाइन क्लास बहुत जगह में देता हूँ, तो वो लोग 2-2, 3-3 घंटा बैठते हैं, ऐसा पैसे ऐसे सुनते हैं। मैं स्वयं तजुब हो जाता हूँ। हम चाइना जाता हमें क्लास ये करने के लिए, हम सॉरी हम लोग, मैं 10 बजे शुरू करूँगा क्लास, पूरा 7-8 बजे तक ख़त्म होगा, 1-2 घंटे बीच में ये करेंगे। इतनी लोग ये कर, खाली खाने प्रसाद पाने के लिए थोड़ा सा ये करेंगे, ऐसा पूरी कंटिन्यूसली सुनते हैं पूरी। नहीं मैं आपका भक्ति को ये नहीं करता हूँ जो आधा घंटा में, क्योंकि वो लोग को कुछ मालूम नहीं है कृष्ण कौन है राम कौन है, लेकिन इसलिए वो लोग पूरी ध्यान करके इस चीज़ को सुनते हैं। हम लोग को मालूम है इसलिए गाँव गलियाँ जितना भी सुंदर हो भाई, ये कहें ये बुलथला सामने रे बुलथला ईटा कौन दिखा पाए, अरे जितना भी सुंदर हो वो ऐसा है। सॉरी हम लोग ओडिया थोड़ा सा नहीं अलग पूछा, मैं भी जानता हूँ उसको भी जानता हूँ, वो जज भी हो गया, उसको बोला अरे ये क्या जज है ना कही वो कौन लोग जी बहुत सुंदर शुरू किया था भक्तिदान ठाकुर का कथा लंगड़ा पंचुआ। इसका कोई प्रश्न है? बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद, आप लोग इतनी सुंदर सुने अच्छा से बैठ के। इसलिए एक्चुअली हम मैं कभी प्रिपेयर होके नहीं आता कभी क्या बोलूँगा आकर के कभी भी, हाँ। लेकिन जब मेन चीज अगर सुनने का श्रोता हो परीक्षित महाराज जैसा, तो फिर तो बहुत सारी चीज आएगा। नहीं तो हम ज़्यादातर लोग याद करके आते हैं, लोग ऐसे 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 लोग फिर वो पकड़ता नहीं, हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाता। इसीलिए बहुत बहुत अच्छा है आप लोग। आज प्रभुपा जी को धन्यवाद, हमारे गुरुओं को धन्यवाद, हमारे आचार्यों को धन्यवाद, और प्रभु जी जो ये कर रहे हैं आप लोग, आपका तो बोल गए लेकिन आप रहिए रहिए, ऐसे समय आएगा क्योंकि आप भी, क्योंकि कल केवल आप सत्संग करेंगे हम प्रबुद्ध होंगे, दूसरे को भी प्रबुद्ध बनाएंगे। प्रभुपाद जी का यही था इच्छा, हम बनेंगे हम उसको भी सार्थक करी कर परो उपकार। अगर आप ईर्षा रहित हो, ईर्षालु होगा तो कल में आप मचिले बापरो ना सर ये बहुत आवश्यक है, आप मचिले बाप पर होना और बस हम बचे हैं मेरा बाप, क्योंकि और कोई मरे खाए जाए ये वैष्णवता नहीं, ये मनुष्यता नहीं है। वैष्णवता छोड़ो तो मनुष्यता नहीं है। मनुष्य मतलब मानव सबको देखेगा, सबको उसका भी दर्द समझेगा, नहीं सामने वाला हाँ बस कैसे गाड़ी चढ़ा लो कैसे भी कर लो जाए, हाँ हमारा गाड़ी चाहे हंजंडा ऊंचा रही हमारा, लेकिन ये चीज नहीं है। हम लोग वास्तविक भगवान सबका देखना है दुख दर्द। अगर हम वास्तविक मनुष्य हैं, जिस प्रकार माँ देखता है ना सब, सबका सबके हृदय में है, सब हमारे भाई हैं, सब सब क्योंकि भगवान परमात्मा का संतान है, इसलिए किसी को हम कुछ ये दृष्टि से नहीं देखें। अगर वास्तविक कल्याण चाहते तो फिर हमारा प्रीति रहेगा, प्रेम रहेगा, यही प्रेम देने के लिए महाप्रभु आए, विश्व प्रेम लव। और लव खाली वो तो संसार में केवल खाली लव लव बोलते हैं, लेकिन लव संसार में दिखाया गया केवल माता पिता के, आज जो लव दिखाए थोड़ा माँ बाप के, और वो जो लड़का लड़की वो तो केवल लस्ट है, वो केवल काम है, वो प्रेम नहीं है, वो सब वहीं तक रहता है, सीमित रहता है, फिर छोड़ रे तू छोड़ मैं छोड़ मैं कहाँ जाऊँ तू कहाँ जाए ऐसे सब। लेकिन वास्तविक जो जो प्रेम है
माँ बाप के हृदय में बेटा लड़की कर देता है। हम स्वयं देखे ये चीज़ कितनी बार माँ कैसे करता है सेवा, पिताजी कैसे ये करते, कितने डेडिकेशन है, ऐसे कैसे ये। इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है और आप लोग आते रहिए सत्संग करते रहिए। हाँ हाँ आप तो बोलते थे हम लोग बहुत बहुत सुंदर क्वेश्चन किए हैं, समझना चाहिए। पहले तो पहले जमाने में लोग जानते थे, माताएं लोग जानते थे, माताएं लोग कभी दंडवत पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, कभी ठाकुर जी को भी नहीं करना चाहिए। माता जी का स्तन धरती में नहीं लगना चाहिए, धरती में लगेगा पांच चीज धरती में लगेगा तो पाप होता है। ब्राह्मण को ब्राह्मण जब भी बैठेगा, जैसे जो ब्राह्मण देखिए जो ब्राह्मण है वास्तविक वो नीचे जमीन में नहीं बैठना चाहिए, ब्राह्मण का पीछा वो भी बहुत धरती के लिए बहुत भारी है। बेल बेल समझ रहे ना, घंटी घंटी को नीचे नहीं रखने का, वो एक देवी है वो पाप लगेगा। वीर्य वीर्य भी ब्रह्मचर्य है ना, ब्रह्मचर्य नीचे नहीं गिराना चाहिए, वो भी धरती के लिए बहुत भारी है। वीर्य जैसे ब्रह्मचर्य ना आप लोग बच्चे जैसे तो ब्रह्मचर्य खे करके नीचे नहीं गिराना चाहिए। और माता का स्तन ये धरती को टच नहीं होना चाहिए, ये शास्त्र का वचन है। इसलिए माताएं लोग सब पंचांग ऐसे पंचांग प्रणाम करते हैं, भगवान को भी प्रणाम करते हैं पंचांग प्रणाम करते। पुरुष लोग पूरा प्रणाम कर सकते साष्टांग पूरा, उन्हें कोई हाँ अष्टांग पूरा एक दो वो दो हाँ वो अष्टांग हाँ फिर मथा ये पूरा पूरा प्रणाम साष्टांग जो पूरी प्रणाम कर सकते हैं। और माता लोग कुछ लोग कुछ माता लोग मैं देखा जो भाव में जो आता है उसमें के लिए तो कुछ नहीं, भाव में तो माता तो पूरा ऐसे पड़ जाता है पूरी, जो भाव में जहाँ है वहाँ कोई नियम लागू नहीं होता, ये भी देखने का है। ऐसे कोई भाव में कर दिया ना बोले फिर आप वहाँ नियम लग नहीं होगा। आप देखो जो भाव में करता है ना वो वहाँ पर कोई नियम नहीं है, कुछ भाव में आके दंडवत लगा दिया, महाप्रभु का ऊपर चढ़ गया है कि माता दर्शन महाप्रभु जो चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे थे पुरी में, एक माता जी उड़ीसा का माता जी वो पूरा दर्शन कैसे करेगा, इतनी व्याकुलता वो महाप्रभु का कंधा पे पाँव रोके कंधा में खड़ा है, तू जब देखा हो वो सेवक हाँ सेवक महाप्रभु ने बोला अरे इतनी उत्कंठा है उसको देखने दो उसको कम से कम भगवान बहुत उत्कंठा उनमें, इसीलिए उनको दर्शन करने दो। तो नियम ना जहाँ उस स्तर में चले जाने के बाद ना कोई नियम नहीं है, लेकिन जब तक हम शरीर में हैं तो ये नियम जरूरी है फॉलो करें। जब पूरी जब जब तो उस स्तर में जाएंगे तो हम स्वयं को भूल जाएंगे कहाँ शरीर है किधर शरीर है हमारा अंग क्या है किधर क्या और पूरी और उसमें तो कुछ है ही नहीं हो तो कुछ अपराध नहीं है। ठीक है माता हरे कृष्ण माता जी हाँ प्रभु मतलब वही काम तो करना है, दिखा पहले कर रहा था और दिखा के बाद वही काम किया, फिर उसमें क्या डिफरेंस है। शुरू हुआ दिस इज द कृष्ण यस ये इनिशिएट हुआ ये यहाँ से शुरू हुआ ये
मतलब देखिए हो गया हमको सब मिल गया, अभी तो हम फ्री मिल गया, लाइसेंस मिल गया, हम कुछ करें ये नहीं है। ठीक क्या पकड़ा, इनिशिएशन मतलब दीक्षा मतलब। आप दीक्षा लो, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा हंसिए मत। नहीं नहीं नहीं, ये जो प्रश्न है ना, क्योंकि वो स्तर में वो पहुँचे हैं इसलिए आप इसको देख, इसको ध्यान करके सुनिए। जो प्रश्न करे बहुत उपाधेय प्रश्न है दीक्षा से पहले और दीक्षा के बाद क्या चेतना कैसे होना चाहिए। तो आपका जो दीक्षा से पहले हम लोग पूरा कर लीजिए, हम वो लोग फांस लिए इसलिए पूरा नहीं हो पाया आपका प्रश्न। हाँ, ये जो भगवान का जो नाम आप दीक्षा लो या ना लो, जो भगवत धाम भगवान का नाम ऐसा है, दीक्षा पुरस्य विधि उपेक्षा न करे, ये शास्त्र में है ये वर्णन। अगर प्रॉपरली कोई करता है दीक्षा पुरस्य ये विधि कुछ, अगर जिह्वा स्पर्श से अजामिल दीक्षा लिया था क्या, अजामिल जो पापी था वो दीक्षा लिया था क्या? फिर तो दीक्षा तो छोड़ो, भगवान का नाम को वो पकड़ा नहीं था। किसका नाम पकड़ा था? बेटा का नाम पकड़ा था, बेटा नारायण आजा आजा, ये मुझे बुला ले रहे हैं, पकड़ के ले रहे हैं, आजा 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 नारायण आजा। इसलिए वो सारी चीज़, कोई भगवान का नाम चाहे दीक्षा से पहले हो दीक्षा के बाद हो, वो सब काउंट होता है। लेकिन दीक्षा का पहला जो मेन चीज़ है, अपराध युक्त नाम, अपराध रहित नाम, निरपराध और एक नाम अपराध और नामा अभास, ये चीज जो चीज वो सब काउंट होता है। ऐसा कोई मतलब दीक्षा हो और क्या आपका दीक्षा लेने के बाद गुरु आप उनको बताते हैं वास्तविक कैसा आपका करना है। और दीक्षा तो शुरू हुआ ना, ये शुरू होने के बाद गुरु इंस्ट्रक्शन देते हैं कैसे हम आगे, क्योंकि ये परंपरा में हम जुड़े हैं ये, इससे अगर बिना अपराध से आप ये करेंगे तो पूरी आपका कनेक्शन पूरी जुड़ जाएगा, आप पूरी अच्छा से आपका वैदिक ज्ञान से सब कुछ आपको प्राप्त होगा और आप अनुभव कर पाएगा जब का। लेकिन आप फिर इनटेंटिवली आप चैंटिंग करेगा और आप पालन नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, मुश्किल ही होगा। इसलिए खाली केवल दीक्षा ले लिया, आप जप अच्छा से नहीं करते हैं, फॉलो करते नहीं, रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, तो ये रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। और प्रयत्न नहीं करेंगे तो फिर जो रिजल्ट देना चाहिए मंत्र तो देगा, लेकिन जो रिजल्ट होना चाहिए वो रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं समझ रहे हैं ना। अच्छा, स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो गुरु आपको देखते हैं आपके हिसाब से, आपका जीवन के हिसाब से, आपका क्या कैसे आप कर सकते हैं, क्या अवरुद्ध है, कैसा आपका सम्मुख कैसे ये करते हैं, उसी के हिसाब से आपका स्पिरिचुअली आप कैसे डेवलप होगा, इसी के इसलिए आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं किस चीज़ आपका कमी है। पिताजी जैसे बच्चों को बोलते हैं ये मेरा बच्चा इसी में मैथ में कमी है, तो उसको ट्यूशन लगाता है ना, स्वास्थ्य में कमी है उसको बोलता है दौड़ो सुबह सुबह दौड़ लगाओ, ये चीज़ कमी है। तो ऐसा ये स्पिरिचुअल जो गुरु होते हैं ये भी यही है, इस चीज़ या देखते हैं वास्तविक इस चीज़ इसका इनका कमी है, तो इस चीज़ में थोड़ा सा ये इसको करो तो आपका फिर आराम से आप ये चीज़ करते हैं। हरे कृष्ण। नित्य चक्षु, हाँ कहाँ से आप सुने थे? हाँ
कहाँ से आप सुना था? हमारे मंदिर में, हमारे मंदिर में नहीं, मतलब इसका कोई भक्त बोल रहा था। हाँ, नित्य चक्षु दिव्य हाँ बत, आप क्या उन्होंने बोले थे तो बताइए ना, क्या उन्होंने बोला था? आपने सुना था नित्य, उन्होंने क्या बताया था? नहीं, आप लोग एक्चुअली आप सम, वो चीज़ जो जो बोल रहे ना, उस चीज़ को आप समझ नहीं पाए। नित्य चुक में क्या कहाँ से डाउट कहाँ से रहा? अब चलिए, नित्य चक्षु, नित्य मतलब क्या है? जो पूरा शाश्वत है, नित्य चक्षु। नित्य मतलब शाश्वत है, जो नित्य है ना। भगवान बोलते भगवान का नित्य आनंद, हमेशा वो आनंदित है, नित्य है पूरी। और अंतर चक्षु, जो भीतर का चक्षु, प्रभु जी बोले ना एक ही चीज़ तो एक ही चीज़ है, अंतर में जो चक्षु है, जो भीतर का चक्षु है। भीतर का चक्षु मतलब जो भीतर चीज को जानता है। और क्या बोला? दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षु, दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित, तो वो भी वही वही चीज हुआ। वो तीन चीज एक ही चीज है। वो जो केवल जो फ्रेज जो यूज हुआ, वार्ड जो यूज हुआ है, वही बस उसी चीज का ये हुआ। इसलिए आप जब भी आप सुनते हैं ना, तो इस गिल वही नहीं, ठीक है, नहीं आपका शंका, लेकिन नित्यबद्ध, नित्य मुक्त, नित्य वो अलग चीज होता है, लेकिन ये जो चक्षु में लगाया गया ये पूरी वही चीज है। ठीक है, माता ये एक डंडी नहीं, ये त्रिदंडी संन्यास है हम लोग का। हाँ, इसमें तीन डंडा है, ये एक डंडा नहीं, इसका भीतर तीन डंडा है जो, हाँ मैं उसको भी बताऊंगा कृष्ण क्योंकि हम लोग तो इसको पकड़ के चलते हैं ना। जो शंकराचार्य जो लिए संन्यास, उन लोग का एक ही डंडी संन्यास है, वो एक डंडा पकड़ते हैं, लेकिन हम लोग एक ब्रह्म द्वितीय नास्ती और कुछ नहीं। हाँ बस वो बोल, लेकिन हम लोग का जो त्रिदंड है, इसमें तीन दंड नहीं, चार दंड, इसमें और छोटा सा भी दंड, जीव दंड भी है। मतलब तीन जो दंड हैं, काय मन वाक्य, काय मन वाक्य को जो, और जो छोटा सा एक दंड वहाँ पर लगा हुआ है वो जीव दंड है। हाँ जीव भी है ना, तो लेकिन वो लोग तो बोलते हैं ना परमात्मा एक ही है, हम सब, वो लोग क्या बोलते हैं, एक दंड पकड़ दो, परमात्मा है एक, हम भी एक, परमात्मा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, हम ही सब कुछ, तो एक ही है वो पकड़ के चल। लेकिन हम लोग आचार्य जो बोलते नहीं, परमात्मा एक नहीं, उसमें भी शंकराचार्य बोले एक, आप देखो एक, लेकिन माधवाचार्य आए वो बोले नहीं एक नहीं दो है। उनका हाथ देखो, माधवाचार्य का हाथ आप देखो ऐसा ही दो, मतलब ब्रह्म केवल नहीं है, जीव है और ब्रह्म है, जीव और ब्रह्म। और महाप्रभु आए बोले हरि बोल, खाली जीव ब्रह्म नहीं है, पूरी अनंत कोटि जीवात्माएं हैं, सारे पूरा बहुत हैं पूरी, है ना। तो इस प्रकार ये इसको जो कंट्रोल करते हैं वो हैं ये संन्या, ये जो हमारा जो दंड धारण करते हैं जीवा त्रिदंड, उसको कहा गया है त्रिदंड, तीन दंड। ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें आप बोल सकते हैं, तीन तो तीन 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 बार क्यों बोलते हैं, तीन क्यों करते हैं, ये तीन का एक एक ऐसे होता है, तीन एक जैसे तीन बार कहा गया है उसको एक इम्पोर्टेंट देने के लिए, है ना। तीन जब आ जाता है ना, हरिनाम 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 एवं केवलम ना कौड़ो, जब तीन बार कुछ होता है तो उसको पूरी ज़्यादा
इम्पोर्टेंट दिया जाता है। तो इसीलिए तीन चीज़ जहाँ भी आवृत्ति होता है तो उसको एक बहुत बड़ा बल मिलता है ना। कुत्ता मतलब तीन लाइन पड़ा हुआ है, मतलब हम लोग मतलब बहुत बड़ा बेल्ट है ये, है ना। एक ही कोई भी एक ही माला डालता है, कोई तीन माला डालता है, कोई बोलता है ये गुरु कृष्ण का है, ये पूरी परमात्मा का है, लेकिन जो भी है तीन चीज़ डालना या तीन माला बनाना या त्रिदंड पकड़ना, ये सारे चीज़ अर्थक वास्तविक लक्ष्य तो एक ही है, क्योंकि भगवान को ही लक्ष्य जाता है। लेकिन कभी कभी इसको अलग अलग अर्थ करके बोल रहे वो महाराज तो ये बोले थे, वो महाराज ये बोले थे, ये बोले थे, ऐसे ऐसे ये कहते हैं। नहीं, ड्रेस कोड एक्चुअली सबका अलग अलग होना चाहिए, लेकिन आज ऐसे अस्त व्यस्त दुनिया है, ऐसे हम लोग वी आर कम्प्लीटली बाउंड बाई आवर डिमांड्स एंड सर्कमस्टेंस, है ना। आपको बोला जाए ऐसे ऐसे पहन के आओ तो नहीं होगा, है ना। कभी कभी बहुत सारे चीज़, लेकिन जो शास्त्र के हिसाब से हम लोग तो बाउंड है, क्योंकि सन्यासी का तो एक ड्रेस कोड है ही है और ब्रह्मचारी का तो एक ड्रेस कोड है ही, क्योंकि ये जो गैरिक वस्त्र ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये साधारण वस्त्र नहीं है, इसको पहनना इतनी इजी नहीं है। और ये क्या काम करता है जो पहना है उसको मालूम है, और आप लोग अगर गृहस्थ होकर के प्रॉपरली उसको पहनेंगे साड़ी भी, क्योंकि गृहस्थ जो ये होता है, क्योंकि आपको ये बोलने से बोलेंगे महाराज ऐसा ऐसा बोल दिया, हमारे ड्रेस कोड लगा दिया, ऐसा 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 शाम साड़ी पहनो, ये हम नहीं पहनेंगे ऐसा, लेकिन हमारे मेंटालिटी के हिसाब से जो स्टेटस में है हमारा मेंटालिटी, इसके हिसाब से आप उस चीज़ को चॉइस करेंगे, उसी साड़ी को उसी कलर को चॉइस करेंगे। इसी के हिसाब से हम लोग का मेंटल मन के ऊपर ये भी हमारा ड्रेस भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन आज इस चीज़ का ज्ञान नहीं है लोगों के पास। अगर मैं ड्रेस कोड में जाऊँगा इसमें इसके ऊपर मैं बहुत रिसर्च किया, कलर के हिसाब कलर में कौन सा कलर चूज करना है, और जो कलर चूज करता है वो कौन सा स्तर में है, सत्गुण में रजगुण में तमगुण में, यहीं से मैं बता दूंगा कौन सा इसी से पता चल जाएगा कौन सा गुण में ये है, कलर के हिसाब से आपका जो चॉइस वो भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन ड्रेस कोड जो यूज करते हैं हम लोग, इससे क्या जो बनाया गया है हिसाब से उसको अगर आप पहनेंगे धीरे धीरे वो चेंज होगा, आपका अभ्यास आपका गुण चेंज होगा, यही था। लेकिन आज बहुत सारे चीज़ ऐसा चीज़ हैं उसको लोग इतना बोलने से तो इतना तो लगाया है, वो तो आते नहीं बोलते महाराज आप चाय को आप कंप्रोमाइज करिए, चा चालू कर दीजिए, चा नहीं होगा तो, और ये चीज़। लेकिन ये बहुत आवश्यक है, आप जो माता जी जो पूछे ये बहुत आवश्यक हैं, ड्रेस कोड भी आवश्यक हैं, लेकिन ऐसा ऐसा जो व्यवस्था है उसमें कितने लोग आ पाएंगे, उसमें उत्तीर्ण कितने लोग हो पाएंगे, है ना। लेकिन हम लोग तो हम लोग का तो है ये, पहले तो हम लोग ब्रह्मचारी का था, हम लोग ये कुर्ता नहीं पहनते थे, ब्रह्मचारी मतलब केवल धोती और बिना सिला हुआ, सन्यासी भी ऐसा था, लेकिन ये भी सिलाई वाला भी नहीं, एक डालो उतरी बस, गल वस्त्र बस डाल दो बस ये, लेकिन हिसाब के तर्क साम हिसाब से, इसलिए जितनी हो सके, इसलिए तो बहुत हमारे इसका ना भी ड्रेस कोड का आया था ना, बहुत ये आया था उसमें बहुत चीज हुआ था। लेकिन जैसे आप मिलिट्री ड्रेस पहनेंगे तो आप कौन सा फील आएगा, कैसे आएगा? हाँ गुण वही, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसलिए उसका जाना नहीं चाहता, उसको खोलना नहीं चाहता हूँ। वो भी वो सब
वो सब गुण का हिसाब से, गुण का जो प्रभाव है ना उसी से ये, और इसी के हिसाब से अगर आप सतगुण का ड्रेस पहनेंगे, आपका सतगुण हमेशा सतगुण रहेगा और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और किसी का द्वारा प्रभावित भी नहीं होगा। ये क्या आप ड्रेस के हिसाब से जाते हैं, प्रभावित होते हैं, क्योंकि गुण के हिसाब से हम प्रभावित होते हैं। तो इसलिए बहुत सारे समस्या आके पहुँचता है, ये भी कारण है, ये एक बहुत बड़ा साइंस है इसमें, इसलिए। लेकिन इसको आप ये करेंगे सब शील जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, शील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरे। वैष्णव सदाचार, कैसे वैष्णव उसका आचरण कैसे